हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मुझे थोड़ा सा वीडियो देने में डिले हो रहा है, क्योंकि ये जो मेरा ट्राइपॉड है ना, ये टूट गया है और ये मेरे ही हाथों से टूटा है। तो मैं शूट कर रही थी और ये वाला जो लूज़ करने वाला जो नॉब है ना, तो इसको मैंने लूज़ नहीं करके, मतलब फोर्सफुली मैंने इसको टिल्ट कर दिया, क्योंकि हड़बड़ाहट था, काम जल्दी जल्दी निपटाना था और एकदम ये पूरी तरह से निकल के आ गया, देखिए। और मैंने ना इसको फेविक्विक से भी चिपकाने की कोशिश की तो ये नहीं हो रहा है, और मुझे नहीं मालूम ये फिर से मिलेगा कि नहीं। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया है और यहाँ पर दुकान भी शायद नहीं मिलता होगा। और देखिए, इस तरह से ना टिल्ट करने से, मतलब कुकिंग का जो शॉट है ना, तो ये नहीं लिया जा रहा है, मतलब सीधा सीधा जो भी शॉट है इस तरह से मैं ले पा रही हूँ। तो देखती हूँ क्या किया जाता है। और ये ट्राइपॉड ना मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही ख़रीदी थी, ताकि ये परमानेंट हो जाए और बहुत दिन तक चले। बच्चे और हस्बैंड को तो स्कूल रहता है ना, और भी बाकी कामों में वो लोग बिज़ी रहते हैं, तो कैसे बोलूँ उन लोगों को मोबाइल होल्ड करने के लिए। तो देखती हूँ क्या किया जाता है, तो देखती हूँ कब तक मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाए। तो आज ना जो मेरी दीदी है, काम वाली जो दीदी है, वो नहीं आई है, तो हस्बैंड और बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। और बर्तन धोना, घर झाड़ू देना, पोछा लगाना और किचन साफ़ करना, आज बहुत सारा एक्स्ट्रा काम है, तो ये सब निपटाना है। और मैं ना कुछ दिनों से मुझे एकदम भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मून का हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो छोटी है तो उसको सब कुछ पढ़ाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, मतलब जो भी चैप्टर्स है ना, तो वो सब रिवीजन भी करवाना पड़ता है। तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मुझे एकदम भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा था। और ऊपर से मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, तो इसके चलते भी थोड़ा सा मेरा मन उदास है। मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब जो भी कुकिंग का वीडियो है ना, मैं ये शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो टिल्ट नहीं हो रहा है जो कैमरा है, बस सीधा सीधा ही जो है ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, और जो झुकने वाला जो रिकॉर्डिंग है ना, ये नहीं हो रहा है। तो और मैं ना नया लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे तो पूरा ट्राइपॉड एकदम सही हालत पे है, और मैंने थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी ख़रीदा है, तो मैं और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। देखती हूँ इसको ही अगर किसी तरह से मरम्मत किया जाए तो। तो उधर जितना भी बर्तन था वो सब मैंने धो लिया है, और सिंक में ना थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। ऐसे तो दीदी धो देती है, लेकिन अगर वो उसको धोने के अलावा भी ना, मैं एक्स्ट्रा बहुत सारा बर्तन मैं धो लेती हूँ, क्योंकि चाय का बर्तन और ब्रेकफास्ट का बर्तन ये सब तो होते ही रहता है। तो ये हो जाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रूम पे, और आज ना बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खिड़की खोल देने के बाद बहुत ही सुंदर हवा आ रही है, लग रहा है बारिश होगा। पूजा नज़दीक आ गया, और इसी टाइम पे ना मैं बना के रखती हूँ कुछ नमकीन मिठाई, और बच्चे लोग पसंद करते हैं अगर घर में बनाया हुआ, ऐसे तो दुकान में मिल ही जाता है, लेकिन मैं घर में बनाया हुआ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो देखती हूँ कब तक टाइम मिले और कब तक मैं बनाऊँ, और जो जो मैं बनाऊँगी मैं आपके साथ डेफिनेटली वो शेयर करूँगी। अगर भगवान चाहे तो पूजा तक हम लोग का जो घर है ये कंप्लीट हो जाएगा, और शायद लक्ष्मी पूजा तक हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं, मतलब आप जो भी प्लान करते हैं हर वक्त, तो प्लान के माफी काम तो होता नहीं है ना, तो मतलब फ़िलहाल तो प्लान यही है, तो देखा जाए कब तक क्या होता है। पूजा का मार्केटिंग ना अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, और मैं सोच रही हूँ ना कि इस साल मैं कुछ नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत सारा साड़ी मुझे गिफ्ट में मिला है, शादी था घर में तो इसके चलते मुझे गिफ्ट में मिला है, तो वो सब साड़ी अभी एकदम नया है, और मैंने बस फॉल्स और पीको मैंने लगा के ये सब एकदम रेडी करके रखा है, तो बस वही काफ़ी है, और सोच रही हूँ कि नया नहीं लूँगी। लेकिन बच्चे लोगों के लिए तो लेना ही पड़ेगा, बच्चे लोगों के लिए मैं जाऊँगी लेने में के लिए, तो देखती हूँ कब तक जाना होता है। ऐसे तो मुन का अभी एग्ज़ाम चल रहा है फ़िलहाल, तो वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद देखूँगी टाइम निकाल के कब जा पाती हूँ। और मून का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद जून का स्टार्ट हो जाता है, तो मैं ना पूरा साल इसी में बिज़ी रह जाती हूँ। एक का ख़त्म होता है तो एक का स्टार्ट होता है, फिर एक का ख़त्म होता है, फिर दूसरे का स्टार्ट होता है, मतलब ना पूरा साल इस तरह से रोटेट होते रहता है ना, तो मैं कहीं भी जा नहीं पाती हूँ। और इस साल ना मेरा जो घर है, घर के सामने बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होगा, घर मतलब मैं मायके की बात कर रही हूँ, तो माँ बोली है फ़ोन करके कि इस साल आना ज़रूर। मैं कोई भी दुर्गा पूजा में ना मैं जा नहीं पाती हूँ, लगता है घर में ही बैठूँ, घर में ही आराम करूँ, मतलब पूरा साल इतना बिजी हो मतलब रहती हूँ ना, घर का काम, कुकिंग और ये सब, तो पूजा टाइम एकदम रिलैक्सेशन रहता है, कोई काम का उतना बर्डन नहीं रहता है। और मैक्सिमम टाइम ना पूजा में हम लोग बाहर ही डिनर करते हैं, लंच करते हैं,
मतलब कुकिंग से भी थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन रहता है, तो तब लगता है ना कि घर में ही रहूँ और आराम करूँ और रिलैक्स करूँ, तो कहीं आने जाने का मन नहीं होता है। और दुर्गा पूजा में इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना रोड में, तो मुझे ना उतना भीड़ में एकदम खड़े रह के पूजा देखना या मूर्ति देखना मुझे उतना खास पसंद नहीं आता है। इससे अच्छा कि मैं घर में बैठे आराम से टीवी में ही देख लेती हूँ, तो वही मतलब कंफर्टेबल लगता है मेरे लिए। तो देखती हूँ इस साल क्या प्रोग्राम रहेगा दुर्गा पूजा का। फ़िलहाल अभी तो कुछ प्लान है नहीं, तो जो भी प्लान बनेगा वो इंस्टेंटली बनेगा। फ़िलहाल अभी तो घर में शिफ्ट होना, नया घर में जो भी सामान है ये सब ऑर्गेनाइज़ करना, फ़िलहाल अभी यही एक मेन काम है, तो वही पहले करना है। तो देखिए कितना सारा लीव्स जो है ना ये हर रोज़ पर गिर रहा है, जो आम का पेड़ है ये सूख गया है, बहुत सारा लीव इकट्ठा हो जाता है। तो बस घर का फ़िलहाल जो भी झाड़ू पोछा है मैंने वो कर लिया है। अब जो कपड़ा है ये भी मैंने वॉश कर लिया है, अब मैं इसको पसार देती हूँ। और देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना बाहर, बहुत ही सुंदर एक मतलब जो मौसम है ना, वेदर है बहुत ही अच्छी एक वेदर है। और जो भी कपड़ा है मैं इसको फ़िलहाल बाहर कर देती हूँ, धूप तो है नहीं लेकिन जो हवा चल रही है शायद उसी से सूख जाए। तो जो भी बर्तन है ये सब मैंने वॉश कर लिया है और इसको मैं ड्रेन करने के लिए छोड़ के गई थी, तो जो भी पानी है ये ड्रेन हो गया है। अब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी जगह जगह पे। कुकिंग करने में ना उतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम लगता है कि ये सब को ऑर्गेनाइज़ करना, नीट एंड क्लीन करना, तो ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेन तो काम मुझे यही लगता है। और जो मेरी दीदी है, काम वाली दीदी है, ऐसे तो बर्तन झाड़ू पोछा कर देती है लेकिन एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग का काम रहता है वो मेरा ही रहता है। और ये पूरे साल चलते ही रहता है, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता है। मतलब जहाँ भी देखूँ ना लग रहा है कि काम थोड़ा सा रह ही गया है, कंप्लीट कर ही लूँ। तो इस तरह से काम हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम ना मेरा रह ही जाता है। तो फिलहाल काम हो जाने के बाद ना मुझे चाय की थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चाय बना लूँ। और जो लेबर लोग हैं, जो मिस्त्री लोग हैं, वो लोग भी आ गए हैं, तो वो लोग भी काम पर लग गए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं चाय बना लेती हूँ और लगे हाथ मैं भी एक कप पी लूँगी। और मुझे ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा नशा है, बहुत मतलब जब भी चाय बनाती हूँ ना तो लगता है कि मैं भी थोड़ा सा पी लूँ। और बहुत ज़्यादा ये क्रेविंग ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। और ये लिकर चाय नहीं, मुझे एकदम मिल्क वाला जो एकदम घना वाला जो चाय होता है ना मुझे वही पसंद आता है। मैं कोशिश करती हूँ लिकर चाय पीने का, क्योंकि मैं बहुत बार चाय पीती हूँ लेकिन मेरे से नहीं होता है। मतलब लगता है कि ना मैं दवाई पी रही हूँ लिकर चाय जब भी पीती हूँ, तो इसलिए। और ये चाय पीने का क्रेविंग ना दिन में ज़्यादा होता है शाम के अलावा, तो बस मैंने ये एक कप अलग से ले लिया है, क्योंकि मेरा जो चाय है ना ये मैं थोड़ा सा कम शुगर डालती हूँ और जो लेबर लोग हैं वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा शुगर में चाय पीते हैं, तो इसलिए मैं ऊपर से उन लोगों के लिए अलग से एक्स्ट्रा एक चम्मच मैं चीनी दे देती हूँ और मैं अलग से अपना निकाल लेती हूँ। तो बस और एक बार मैं चाय को अच्छी तरह से उबालूँगी और उन लोगों को सर्व कर दूँगी। तो बस लेबर लोग को चाय मैंने दे दिया है, अब मैं थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठूंगी और चाय पी लूँगी। तो मैंने पंखा चला दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे तो सुबह से मतलब सुबह 5 बजे से मेरा कामकाज स्टार्ट हो जाता है कुकिंग के बाद, और आज तो एक्स्ट्रा काम था घर का, साफ़ सफाई, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन, तो बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई हूँ। और मैंने ना अभी तक ब्रेकफास्ट किया नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, तो सोच रही हूँ आज जो ब्रेकफास्ट है ये स्किप कर जाऊँ और बस चाय पी लूँगी और इसके बाद मैं नहा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी हो गया है। अगर ब्रेकफास्ट अभी खाऊँगी ना तो शायद लंच नहीं कर पाऊँ, इसलिए। ऐसे तो जुनमुन का आने का भी टाइम हुआ नहीं है, करीबन 12 बजे तक दोनों आ जाती है और तब तक मेरा जो एक्स्ट्रा जो काम है ये सब कंप्लीट हो गया है। अब सब आएंगे तो एक साथ सब मिल के लंच करेंगे।
और तब तक मैं ना रात का जो सब्ज़ी है ये भी बना लेती हूँ, और मैक्सिमम टाइम में ना मैं ही करती हूँ रात का जो सब्ज़ी बनता है, मतलब डिनर का जो आइटम बनता है ना, तो मैं इस टाइम में बना के रख देती हूँ। और क्योंकि शाम में भी मैं फ्री नहीं रहती हूँ, बहुत सारा काम रहता है, ट्यूशन पढ़ाना, बच्चे लोगों को पढ़ाना, और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा काम रहता है, तो ये सब के चलते ना अगर कुकिंग में पूरा दिन लगा दे तो एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं ना सब्ज़ी दिन में बना के रख देती हूँ, और जो रोटी है वो खाने के टाइम गर्मा गर्म बनाती हूँ, और आटा मैं शाम को ही चाय बनाने के बाद मैं रेडी करके रखती हूँ और खाने टाइम मैं गर्मा गर्म बना लेती हूँ। और ऐसे में भी मैं हफ्ते में 3 बार योगा जाती हूँ, तो उसके लिए भी प्री प्लान होना पड़ता है, क्योंकि वो योगा से जब मैं घर आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब 7 तो बज ही जाता है, और ख़ासकर उनका जब एग्ज़ाम चलता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि योगा क्लास से आने के बाद मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं रखूँ, तो इसलिए मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो बस देखिए ये सब जो गोभी है मैंने इसको काट लिया है, और मैं ना थोड़ा सा पानी और नमक देखे इस तरह से भिगो के रखती हूँ, ताकि अभी गोभी का जो भी थोड़ा सा कीड़ा अगर रहता है तो वो निकल जाएगा। और आज सैटरडे है तो हम लोग सैटरडे में हम लोग भेज खाते हैं, तो इसलिए जो गोभी का सब्ज़ी है ना बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही एकदम साधारण सा मैं बनाऊँगी और भेज बनाऊँगी। मैं कोई भी गार्लिक और ऑनियन मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो इसके लिए मैंने तेल में थोड़ा सा 5 फोड़न और ग्रीन चिली और जो अदरक है इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और बस हल्का सा मैं इसको भून लूँगी, हल्का सा मैं इसको फ्राई कर लूँगी ताकि जो कलर है ये चेंज हो जाए। और मैं ना अलग से गोभी को फ्राई नहीं करती हूँ, तो इससे ना मुझे लगता है कि बहुत सारा ऑयल लग जाता है सब्ज़ी में, तो मैं एक ही साथ उसी तेल में मैं गोभी और आलू को एक साथ फ्राई कर लेती हूँ, और ऊपर से जो भी मसाले हैं मैं इस तरह से ऐड करती हूँ। मैं गोभी फ्राई करके अलग से रखना, फिर मसाला फ्राई करना, फिर सबको मिलाना, मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, इससे ना बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है, और ऑयल तो ऐसे भी नॉर्मली उतना अच्छी बात होता नहीं है, मतलब डे बाय डे रूटीन में खाना। तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, अब मैं एक टमाटर मैंने दे दिया है और इसको भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी ताकि सॉफ्ट हो जाए। अब मैं दे दूँगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैं दे दूँगी नमक, और 1 चम्मच मैं दे दूँगी जीरा पाउडर, और 1 चम्मच मैं दे दूँगी कश्मीरी पाउडर। अब मैं सबको अच्छी तरह से फ्राई करके पानी दे दूंगी और बस कुक कर लूंगी। और क्योंकि मेरा ट्राइपॉड नहीं है, मैं हाथों में पकड़ के इस तरह से रिकॉर्ड कर रही हूं, इसलिए ना जो वीडियो है ये थोड़ा सा मूव हो रहा है, और ऊपर से मैंने अब थोड़ा सा दे दिया है कसूरी मेथी, और बस ये देखिए ये जो फ्राई हो गया है अच्छी तरह से, अब मैं इसमें दे दूँगी पानी। और ये ना सिंपल वाला सब्ज़ी रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, रोटी या पराठे के साथ आप बना के खा सकते हैं। मुझे इस तरह से रात में ना सिंपल वाला सब्ज़ी रोटी ही पसंद आता है, ज़्यादा तामझाम वाला खाना मुझे खासकर डिनर में मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये देखिए ये कुक हो गया है, और जो सब्ज़ी है ये भी रेडी हो गया है, और इसका जो ग्रेवी है मैं ऐसे ही रखूँगी, थोड़ा सा पतला रखूँगी। तो बस मेरा ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। तो लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर।